कार्तिक मास की एकादशी के दिन पड़ने वाले देव दीपावली के अवसर पर सोमवार को राजघाट स्थित राप्ती नदी के किनारे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया गया। दीपोत्सव से पूर्व गंगा मैया की भव्य आरती किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। दीपोत्सव में गंगा माँ की श्रृंगार करके श्रद्धालुओं ने 1100 दीपक जलाया। इस अवसर पर दीपोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आयोजक चंद्र कुमार और तुषिता वर्मा ने कहा, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोले श्री गणेश जी महाराज की, बोले श्री गौरा मैया की, बोले श्री गंगा मैया की। नीचे रख के जल गिरा दिया। चंद्र कुमार, यह एक समाज को हम स्वच्छता प्रदान करने के लिए ऐसा जुड़ाव चाहते हैं कि लोग आके देव दीपावली के दिन यहाँ पर दीप दान करें और एक स्वच्छता का अपने मन में यह करें कि हम स्वच्छ रहें और स्वच्छ रखें गंगा जी को। यही हमारा वो मन का वो उद्देश्य है। इस तरह से लोग जुड़े हैं। जी हाँ, और इस वर्ष काफ़ी लोग जुड़े हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आने वाले दिनों में और अधिक संख्या में लोग जुटेंगे और स्वच्छता का जो हमारा मेन सोच है उसको आगे बढ़ता रहेगा। कितने दीप जलाए गए? 1100 दीप जलाए गए हैं और अन्य जो लोग लाए हैं उनकी गिनती नहीं है, लेकिन मेरा 1100 है। तुषिता वर्मा। आज यहाँ पे राप्ती नदी किनारे जी, क्या वजह है? यहाँ पे हम लोग हर साल देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं, पिछले 5 साल से मना रहे हैं। ये एक स्वच्छता से जुड़ने का एक माध्यम है। यहाँ पे हम लोग हर साल दीपावली में देव उत्सव मनाते हैं ताकि नदियाँ साफ हो सकें, आसपास की जगह को हम साफ रख सकें।